ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आपकी राशि हमेशा दुखी क्यों रहती है? ऐसा आपको लगता है कि हम हमेशा दुखी क्यों रहते हैं? और बहुत से जातकों के साथ तो यह होता है कि वो हमेशा लोगों की मदद करते हैं, लोगों का सपोर्ट करते हैं, लोगों से प्यार करते हैं, उन्हें हर एक हालातों से बाहर निकालने की कोशिशें करते हैं, और वही लोग जब उन्हें धोखा देते हैं तो वो दुखी हो जाते हैं। कई बार जिन लोगों की मदद की वही लोग गलत बातें हमारे लिए करते हैं। और हम तीसरी वजह यह भी कि हम बहुत मेहनत करते हैं लेकिन उसके बाद भी हमें फल हमारे मन मुताबिक क्यों नहीं मिलता। और इसके अलावा चौथा कारण यह है कि कोई वजह नहीं है लेकिन फिर भी हम बहुत दुखी हैं। ये मूलतः चार वजह आप प्रश्न मुझे पूछते हैं और इनका जवाब आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगा। सबसे पहली और अच्छी बात है कि आप वाकई में, दो चीज़ें होती है कि एक व्यक्ति का कहना कि मैं अच्छा इंसान होना, दिखावटी आप अच्छा हो सकता है लेकिन आप सच में दिल से भी एक अच्छे इंसान हैं। और एक अच्छा इंसान सब चीज़ों में अच्छाई देखता है, वो हमेशा वही व्यवहार लोगों से करता है जो उसे पसंद नहीं होता है। और बस इसी सॉफ्ट चीज़ का, इसी एक नाजुक चीज़ का लोग दुरुपयोग करते हैं। इसलिए हमेशा मदद करें लेकिन एक बार मदद को ऑब्जर्व करें कि ये मदद के लायक है या नहीं। अपने भावनात्मक पहलुओं से मत सोचें क्योंकि आपकी भावनात्मकता तो 100% उसकी मदद ही करना है, लेकिन थोड़ा सा सोचें, समझें, थोड़ा वक्त लें, फिर जाके दो कदम आगे बढ़ाएं तो शायद आप इस दुखी रहने वाले पहले प्रश्न से हमेशा बच पाएंगे। दूसरा होता है कि हम बहुत मेहनत करते लेकिन फल नहीं मिलते हैं। आप मेहनत करें, बेशक मेहनत करें, लेकिन फल जो अपने दिमाग में आपने एक इमेज क्रिएट कर ली कि मुझे ये मिलेगा, वो मिलेगा, वो कभी ना करें। आप जब भी इस तरह का इमेज अपने अंदर क्रिएट करके रखेंगे वो कभी होने वाला नहीं है। तीसरे, वो लोग जो बार बार आपको धोखा, छल कपट या आप बहुत जल्दी लोगों पर यकीन कर लेते हैं, उससे बचने का सबसे आसान तरीका है कि लोगों को परखें, लोगों को बस सुने, अपने मन की कोई भी बात उन्हें न कहें, उन्हें सिर्फ सुने। जब आप उन्हें सुनेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये सही व्यक्ति है, अच्छा व्यक्ति, क्योंकि आपके पास सच्ची संवेदना है और आप बहुत अच्छे इंसान हो। और अच्छे इंसानों के पास बहुत सारे अच्छे हुनर भी होते हैं, आप उन्हें पहचानें। और आप बहुत महत्वपूर्ण हैं दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो यहाँ तक सुनने के बाद अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और एक बार अपनी कुंडली का एनालिसिस आप हमसे जरूर कराएं। स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं, व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर बात करें, उसका फीस लागू है दोस्तों। ओम नमः शिवाय।